सागर मंथन नहीं, क्षीर सागर में से विष नहीं निकलेगा। सागर मंथन नहीं, सागर सागर मंथन में काल को विष निकलेगा। वो सागर मंथन को क्षीर सागर मंथन कहना क्यों रंग है? सागर मंथन कहना सही क्यों? क्योंकि ये संसार सागर है, विषय सागर। इस विषय सागर में झूठ भी है,
और आटे में नमक मिसल सच्चाई भी है तो वो दिखाई नहीं पड़ती, भगवान आकर के दिखाता है। तो सागर मंथन होता है, उसमें से अमृत भी निकलता है और उसमें से हालाहाल विष भी निकलता है। हाँ जी, सागर मंथन, सागर मंथन में आपको विष में, हाँ जी, शंकर जी उस विष को पीकर अपने कंठ में रखे तो नीलकंठ के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। तो क्या शंकर जी ने विष पिया बाबा, उसका अर्थ क्या है? समरथ को नहीं दोष गुसाए ही, जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लग पाता। रवि पावक जल सम की नहीं, जैसे सूर्य है कितना भी कचरा पड़ा हुआ हो, दुर्गंध का ढेर लगा पड़ा हो, सबको सुखा देता है। परंतु उसको कोई खराब नहीं मानता। ऐसे ही अग्नि, अग्नि कैसा भी कचरा हो, कैसी भी दुर्गंध हो, उसको जलाकर भस्म कर देती है, फिर भी अग्नि को देवता कहा जाता है। ऐसे ही जल देवता कहा जाता है। समर्थ होने की बात है। योग बल से विश्व की बात कही पाई जा सकती है, तो विषय वासनाओं के ऊपर जीत नहीं पाई जा सकती। विषय विकार पी करके हजम नहीं किया जा सकता। विष को कौन हजम कर सकता है? समर्थ हजम करेगा या असमर्थ हजम करेगा? जो समर्थ होता है वो ही हजम कर सकता है। भगवान आकर के असमर्थ को समर्थ बनाते हैं पढ़ाई के द्वारा। अब जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा वो उतना समर्थ बनेगा। बाप तो आकर के आप समान बनाते हैं, सुप्रीम टीचर आकर के बच्चों को भी मास्टर टीचर बनाते हैं, परंतु बच्चे नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हैं, पूरी पढ़ाई उनकी बुद्धि में बैठती है। जो अपना पूरा तन, पूरा मन और पूरा ही धन, पूरा ही समय, पूरे ही संकल्प ईश्वर की सेवा में अर्पण कर देते हैं, जो जितना अर्पण में बनता है उतना वो बड़ा दर्पण बन जाता है। सबसे बड़ा दर्पण है बाप, परंतु बाप तो बिंदी है, जरूर किसी साकार के द्वारा बड़े से बड़ा दर्पण बनता है। उस दर्पण में सब दिखाई पड़ जाता है। इशारे मात्र से पता लग जाता है
कि कौन सी आत्मा का कौन सा नंबर है। ऊंच से ऊंचे राजाएं कौन बनेंगे, महाराजाएं कौन बनेंगे, प्रजा वर्ग में कौन आ देंगे, साहूकार कौन बनेंगे, चांडाल कौन बनेंगे और दास राशि कौन बनेंगे। विष भस्म करने वाला है और अमृत अमर बनाने वाला है। सुप्रीम सोल बाप आकर के अमृत देते हैं। वो अमृत देने वाला है, कहां से आता है, ऊपर से आता है कि नीचे से आता है? ऊपर से आता है। और किस में आता है, ऊपर वाले में आता है कि नीचे वाले में आता है, है? किस में आता है? अरे जो दुनिया का ऊंचे से ऊंचा है उसमें आता है, या जो नीचे से नीचा है उसमें आता है, पतित से पतितन में आता है या पावन में आता है, माने नीच से नीच में आता है। अब ये फॉलो करने वालों के ऊपर है कि फॉलो करने वाले शंकर को फॉलो करते हैं, जो विषपाई कहा जाता है। या जो उसमें प्रवेश करने वाला है सदैव निर्विष है, विष का नाम निशान जिसमें नहीं है, उसकी वाणी को फॉलो करते हैं, उसके कर्मों को फॉलो करते हैं। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो। जो कहते हैं शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास, अगर बुद्धि में ये है कि देहधारी ब्रह्मा की गोद में आए हैं तो फिर वेदों में सबसे सतो प्रधान पुस्तक भी है और बहुत पुरानी है, उसका नाम क्या है? है चार वेद बहुत पुराने हैं, उनमें जो ऋग्वेद है वो पहला माना जाता है। ऋक् से बनता है ऋचा, सच्चाई। उसमें मुख्य श्लोक है, मुख्य ऋचा है, द्वा सुपर्णा सुयुजा सखाया समानम वृक्षम अविकस्व जाते। ये संसार एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर दो मुख्य पक्षी बैठे हुए हैं। संगम युग की बात बताई गई है। एक है अभोक्ता और एक है जन्म जन्मांतर का भोक्ता। किसको फॉलो करना चाहिए, हैं? अभोक्ता को फॉलो करना है। इसलिए मुरली में बोला है शंकर को फॉलो नहीं करना है। आज्ञाओं में किसको फॉलो करना है, शिव को फॉलो करना है। कर्मों में किसको फॉलो करना है, शिव बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो शंकर ने विष पिया
या शिव ने विष पिया? भक्ति मार्ग में गायन किसको देते हैं? शंकर ने विष पिया, परंतु वो विष पीने की ताकत कहाँ से आई? कहाँ से ताकत आई? योग बल से वो ताकत आई। और योग बल कहाँ से आया? बाप की पहचान से योग बल आया। पहले पहले बाप को किसने पहचाना? सुप्रीम सोल बाप को पहले पहले किसने पहचाना? बाद में औरों ने पहचाना। पहला नंबर किसका लगा है? जो पहले पहले जिसने पहचाना वो अव्वल नंबर योगी बन जाता है। ज्ञान होगा तो योग होगा, ज्ञान ही नहीं होगा पहचान ही नहीं होगी तो लगाव कैसे लगेगा? उसे एक ने क्यों पहचाना पहले, औरों ने क्यों नहीं पहचाना? वो ऊपर वाला आता है तो एक में ही पहले क्यों प्रवेश करता है, औरों में क्यों नहीं प्रवेश करता? पार्शलिटी क्यों है? त्रेसठ जन्मों का हिसाब किताब बनता है, बनी बनाई बन रही। त्रेसठ जन्मों में जिसने विपरीत आचरण करने वालों का ज्यादा विरोध किया है और जन्म जन्मांतर विरोध किया है उसके तन में आता हूं। ब्रह्मा को अनेक भुजाएं देते हैं और शंकर को भुजाएं क्यों नहीं देते है? कोई कारण होगा है? हाँ, ब्रह्मा को ढेर के ढेर सहयोगी बन जाते हैं और शंकर को ढेर के ढेर सहयोगी आज से अंत तक क्यों नहीं बनते? कुछ समय सहयोगी बनते हैं, बाद में चेचक जाते हैं है? क्योंकि बाप का है कठिन काम। बाप सारे विश्व को बाहर संभालता है और माँ माँ घर संभालती है। विश्व में सब धर्म की आत्माएं हैं, सब धर्म वालों को कंट्रोल करना सहज है या घर वालों को कंट्रोल करना सहज है? घर वालों को कंट्रोल फिर भी किया जा सकता है, वो भी तब जब बाप की रहबरी में माता हो, नहीं तो वो भी कंट्रोल करना मुश्किल है। तो विषपाई शंकर को कहा जाता है, गले में विष को थाम लिया, गले में शिव प्रवेश करता है, छाती में प्रवेश करता है, पेट में प्रवेश करता है या टांगों में प्रवेश करता है? कहाँ प्रवेश करता है? हैं? अरे मुंड में प्रवेश करता है ना, मुंड अलग चीज और गले से लेकर के सारा शरीर अलग चीज। तो बुद्धि को प्रभावित नहीं कर पाता वो विष, इसलिए गले तक दिखाया है।
मन बुद्धि बाप की याद में रहे और कर्मेंद्रियां भले विषय सागर में पड़ी रहे। जिसको बताया है कीचड़ में कमल फूल समान, ये सारी दुनिया कीचड़ है, परंतु सारी दुनिया कीचड़ है, त्यागने योग्य है। ये बात बुद्धि में सदैव बैठने की है, तब बैठेगी जब अपन को सदैव आत्मा समझेंगे। कर्म करते कर्मेंद्रियों के प्रभाव से परे रहे, हथेली पे आम उगाया जाता है क्या? उगाया जा सकता है? अरे हाँ या ना तो बोलो। हथेली के ऊपर तुरंत कोई आम उगाना चाहे, आम का पौधा, तो उगाएगा? नहीं उगाया जाता। ये राजयोग की प्रैक्टिस की बात है। राजयोग की जो प्रैक्टिस है वो थोड़े समय में आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस नहीं होती है। इसका फाउंडेशन पहला जो संदेश मिलता है कि भगवान बाप आया हुआ है, बेसिक नॉलेज में, उस बेसिक नॉलेज के संदेश को जो फाउंडेशन में ही पक्का धारण कर लेता है कि वो बाप बिंदु है और बिंदु बिंदु आत्माओं को बाप पढ़ाने के लिए आया हुआ है। फाउंडेशन में ही जिन्होंने अपना प्रैक्टिस पक्की कर ली कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, अमृत बेला मजबूत कर लिया, वो फाउंडेशन आदि का अंत तक काम आता है। अपने अपने पुरुषार्थी जीवन में देखना चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान को हमने कितनी तीव्रता से धारण किया, शुरुआत में फाउंडेशन कितना पक्का जमाया। अगर आदि में ही ये प्रैक्टिस पक्की कर दी, अमृत बेला मजबूत कर दिया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और जिनको भी देखूंगा वो ज्योति बिंदु रूप में देखूंगा, अमृत बेले की प्रैक्टिस पक्की होगी तो सारा दिन आत्मा ही आत्मा दिखाई पड़ेगा। अगर पक्का नहीं होगा तो सारा दिन देह भान रहेगा। जैसे कोई चीज मिलती है, उस चीज के महत्व को जो जानता है शुरुआत से, मान लो धूल में हीरा पड़ा हुआ है, कोई ने हीरे को उठाया, पहचान लिया कि ये हीरा है, तो उस हीरे को, उसके महत्व को समझ करके बड़े जतन से उसको जेब में रखेगा, कहीं खो न जाए। ऐसे ही ईश्वर का संदेश मिलता है। भगवान बाप समझाते हैं, जो हमारे कुल का होगा कितनी देर में समझेगा है? एक सेकंड में खिंचा चला आवेगा। हमारे कुल का नहीं होगा तो एक दिन समझाओ, दूसरे दिन समझाओ, तीसरे दिन समझाओ, समझाते ही रहो, वो समझता ही नहीं। इसका मतलब वो हमारे कुल का नहीं है, रूहानी कुल का नहीं है, 84 जन्म लेने वाला नहीं है। तो आज में ही जिन्होंने संदेश को गहराई से पकड़ लिया वो उतनी ही बाप के नजदीक वाली आत्मा है। वो और बातों पर जिंदगी में ध्यान नहीं देगी। जो बाप की पढ़ाई है
उस बाप की पढ़ाई को प्रेफरेंस देगी, क्योंकि भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती धक्के किसने खाए होंगे, सबसे जास्ती भक्ति किसने की होगी, सबसे जास्ती अभी भी चारी भक्ति किसने की होगी। अरे पहले पहले भक्ति कौन करता है, है? रावण करता है। द्वापर युग की शुरुआत होती है तो पहले पहले भक्ति कौन करता है, राजा विक्रमादित्य। लेकिन राजा विक्रमादित्य विकारी दुनिया का राजा था या निर्विकारी दुनिया का राजा था, विकारी दुनिया का राजा था। विकारी दुनिया के जो विकारी राजाए होते हैं वो अपनी अकल से काम करते हैं या उनको अकल देने वाला कोई होता है, हैं? मंत्री होता है। पहले कम मंत्री होते थे, जैसे जैसे दुनिया तमो प्रधान हो जाती है राजाओं को अनेक मंत्री होते हैं। तो द्वापर के आज में राजा विक्रमादित्य को सोमनाथ मंदिर बनाने की सलाह किसने दी, किसने मंत्रणा दी, निराकार भगवान ने दी, निराकार ने दी, है? द्वापर युग से ही विकारी राजाएं होते हैं। विकारी राजाओं को मंत्रणा देने वाला चाहिए, उनको किसने बताया कि सोमनाथ मंदिर बनाओ, उसमें शंकर की मूर्ति बनाओ, शिवलिंग बनाओ, वो शिवलिंग ऊपर स्थापन करो, शंकर को नीचे स्थापन करो, ये अकल सारी किसने दी? और शिवलिंग में हीरा जड़ो। दुनिया में और किसी की तो बुद्धि में ये बात आई ही नहीं आज तक भी भक्ति मार्ग में कि लिंग शरीर का परिचायक है। और सोमनाथ मंदिर में जो लिंग में हीरा जड़ा हुआ था वो सुप्रीम सोल बाप की यादगार है। क्या द्वापर युग में सुप्रीम सोल आता है राजा विक्रमादित्य को बताने के लिए? कौन आया? जिसने संगम युग में बाप को पहले पहचाना वो ही राजा विक्रमादित्य को ये सलाह देता है कि ऐसे ऐसे करो, भक्ति करने की सलाह देता है। तो पहला पहला रावण कौन हुआ, कृष्ण ही कंस बनता है, राम ही रावण बनता है। ताली बजाओ। भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति रावण से आती है। और ज्ञान? ज्ञान राम से आता है। राजा विक्रमादित्य को जो मंत्रणा दी गई कि शिवलिंग बनाओ, मंदिर बनाओ, शिवलिंग जो है उसमें हीरा जड़ो, ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है, ज्ञान मार्ग की बात है। क्यों? है? पूजा करना याद नहीं करता था शुरुआत में? शुरुआत में जो भक्ति होती है सतो प्रधान होती है या तमो प्रधान होती है? भक्ति भी सतो प्रधान होती है। तो लिंग को याद करना सिखाया, उसमें हीरे को याद करना सिखाया, ये गलत काम हुआ या अच्छा काम हुआ, है?
अच्छा काम हुआ, लेकिन भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ है? जोर से नहीं बोलते, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि जो लिंग है लाल पत्थर के रूप में दिखाया गया वो चैतन्य नहीं था, और उसमें जो हीरा रखा हुआ था वो चैतन्य नहीं था, वो प्रैक्टिकल रूप नहीं था। इसलिए वो भक्ति है, ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान प्रैक्टिकल होता है और भक्ति भक्तिकल, भक्ति में प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सुनना सुनाना होता है। उस समय क्या राजा विक्रमादित्य को उसके बाप ने ये बात, बाप कहो या गुरु कहो, उसने ये बात समझाई होगी क्या? ये लिंग शरीर की यादगार है, जिस शरीर में परमात्मा शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है वो ज्योति बिंदु शिव ही हीरा है, ये समझाया होगा क्या? समझाया नहीं, तो नहीं समझाया तो बेसमझी। समझ को कहा जाता है ज्ञान और बेसमझी को कहा जाता है अज्ञान। समझ नहीं हो तो खत्म कैसे आएगा? समझ नहीं है, उस आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं संगम युग के, वो संस्कार समय पर जागृत हो जाते हैं। और हाँ जी हाँ, किसी की भी छुपी हुई नहीं रहेगी, कोई कितना भी छुपाना चाहे, संगम युग में किसी का भी कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा, सब का प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ और आगे है, उन्होंने कहाँ छुपाया, उन्होंने छुपाया कहाँ, उन्होंने तो अपना पोता में लिख करके दे दिया, वो छुपाने वाली बात हुई क्या? और हाँ, शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं कि देवकी को आठवां पुत्र पैदा हुआ वो सतयुग की बात है या संगम युग की यादगार है? हैं? संगम युग की बात है। संगम युग में आठ नारायण पहले जन्म ले लेते हैं, बेसिक नॉलेज में ज्ञान में पहले आ जाते हैं, और वो आठों ही कंस कोष लेता है, उनको कंट्रोल में ले लेता है, सरेंडर हो जाते हैं। किसके प्रति सरेंडर हो जाते हैं? है? कंस के प्रति।
है कंस माने कृष्ण। अरे कोई मुरली में आया है कि भाई लोग सरेंडर होकर के बैठ जाएं, आया है बैल पाल कन्हैया गाया हुआ है या गौपाल कन्हैया गाया हुआ है? आज की दुनिया में गायों को सुरक्षा की जरूरत है या बैलों को सुरक्षा की जरूरत है? गायों को जरूरत है। भाई लोग ईश्वरीय सेवा करना चाहें तो भले करें, लेकिन उनकी जिम्मेवारी, सारे जीवन की जिम्मेवारी यज्ञ नहीं उठा सकता। प्रैक्टिकल में जिम्मेवारी किसकी उठाई जाएगी? कन्याओं माताओं की। क्यों उठाई जाएगी? क्योंकि कन्याएं माताएं कलयुग के अंत में आकर के असुरक्षित देखी जाती हैं, नारी जाति अबला बन जाती है, पुरुषों को अबला नहीं कहा जाता, स्त्रियों को अबला कहा जाता है। तो यज्ञ में जो कुमार सरेंडर होकर के रहे और दब्बू बन करके रहे, देहधारियों के डायरेक्शन पर चल पड़े, मुरली का मनन चिंतन मंथन करने वाले नहीं बने, जो मुखिया था बेसिक नॉलेज के यज्ञ में वो मंथन करने वाला था क्या है? वो खुद ही मंथन करने वाला नहीं था तो उसके कंट्रोल में चलने वाले, वो मंथन करने वाले संपूर्ण नारायण बनेंगे या अधूरे नारायण बनेंगे? अधूरे नारायण बनते हैं। वो फाउंडेशन पड़ जाता है। आठ बच्चे पहले पैदा हुए जिनको कंस ने कोस लिया, देहधारियों के कंट्रोल में आ गए, यज्ञ के आदि से ही आने लगे। और आठवां नंबर कृष्ण पैदा हुआ, वो पैदा तो कारागार में हुआ, पांच विकारों की जेल में ही पैदा हुआ, लेकिन लेकिन कंस के कुसादे से बच गया। कंस और कंस का परिवार उसको भी अंडर दी कंट्रोल लेना चाहता था। संपूर्ण सरेंडर करना चाहता था, लेकिन वो उनके अंडर नहीं आया। उसको किसके अंडर में चलना था? है? बाप की आज्ञाओं के अंडर में चलना था। बाप की आज्ञाएं कहाँ हैं? देहधारियों के मुख में बैठी हुई है वो आज्ञाएं, रखी हुई है या मुरली में रखी हुई है? मुरली में रखी हुई है। तो बेसिक नॉलेज में आने के बाद जिन्होंने देहधारियों के डायरेक्शन को मद्देनजर कर दिया और मुरली के ऊपर विशेष ध्यान दिया, वो ही सूर्यवंशी बच्चे हैं, ज्ञान सूरी की औलाद है। बाकी जो देहधारियों के ऊपर सरेंडर हो गए वो फिर कुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा के डायरेक्शन पर चलने वाले हो या ब्रह्मा कुमार कुमारियों के डायरेक्शन पर चलने वाले हो। और के आदमी राम और आत्मा तेल को बड़ा पड़ लिया
राम वाले अपना फेल हुआ। हाँ जी फेल हुआ ना। हाँ जी तो ज्ञान में चलते चलते जो ज्ञान छोड़ करके चले जाते हैं शक्ति को जन्म लेना पड़ता है। शक्ति को जन्म लेना पड़ता है बोला क्या जन्म लेना पड़ता है शक्ति को जन्म लेना पड़ता है। हाँ जी वो भी यही आत्मा है कर्म में आकर के फिर जन्म लेने के बाद ज्यादातर तो आपल नंबर बनते हैं ना। आपल नंबर बनकर के बैठे हैं ना। हाँ अब्बल नंबर बनकर के बैठे हैं ना अभी। हाँ जी तो शक्ति को जन्म लेने की बात करें क्या बात है। दो ऋषि विशेष गाये हुए एक विश्वामित्र और एक वशिष्ठ। वशिष्ठ का पार्ट किसका है ब्रह्मा का और विश्वामित्र का पार्ट किसका है प्रजापिता का। सारी प्रजा का जो पिता है 500 700 करोड़ जो भी प्रजा है सब उसको एडम आदम आदि देव के रूप से अपना बाप मानती है। दोनों के पुरुषार्थ में फर्क क्या है, है? विश्वामित्र और वशिष्ठ के पुरुषार्थ में क्या फर्क दिखाया गया है। वशिष्ठ जन्म से ब्राह्मण थे क्या उन्होंने ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ नहीं किया जैसे कृष्ण जन्म से देवता बनता है। देवता बनने का उन्होंने पुरुषार्थ किया नहीं किया जन्म लेने से देवता बना तो जन्म देने वाला हूं क्या हुआ या जन्म लेने वाला हूं क्या हुआ। जन्म देने वाला हूं क्या होगा और जन्म लेने वाला कम पुरुषार्थी हुआ। ऐसे ही वशिष्ठ ने जन्म लिया ब्राह्मण के घराने में और विश्वामित्र ने कहां जन्म लिया क्षत्रियों के घराने में। लेकिन विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व कैसे प्राप्त कर लिया क्या किया है? क्या किया है? श्रेष्ठ घराने में जन्म लेना अच्छा या जन्म लेने के बाद ऐसे कर्म करने अच्छे जो श्रेष्ठ घराने वाला बन जाए। पुरुषार्थ अच्छा या प्रारब्ध अच्छी है? पुरुषार्थ को आगे रखेंगे तो विश्वामित्र ने पुरुषार्थ को आगे रखा और वशिष्ठ के जीवन में प्रारब्ध आगे रही। पुरुषार्थ करना कौन सिखाता है? अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना सिखाने वाला कौन है? अरे पूछते उनके बाप अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ सिखाता है और जितने भी लौकिक बाप हैं या लौकिक देहधारी गुरु हैं वो पुरुषार्थ करना नहीं सिखाते। पुरुष माने आत्मा पुरुषार्थ माने आत्मा के लिए करना नहीं सिखाते वो सब देह के लिए करना सिखाते हैं। तो विश्वामित्र भले जन्म से ब्राह्मण नहीं थे उच्च कुल वाले नहीं थे लेकिन पुरुषार्थ करके उन्होंने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया और गाय को वशिष्ठ की इच्छा न होते हुए भी गाय को उनसे प्राप्त कर लिया। जिस गौ के तन में 33 करोड़ देवताएं दिखाए जाते हैं तो देवताओं का भी रचयिता कौन हो गया
है। देवताओं का भी रचयिता कौन हुआ? जो उस गाय का मुखिया हुआ वो ही देवताओं का रचयिता हुआ। और आत्मा को भक्ति मार्ग में अंगुष्ठा मिसल कहा गया है। जैसे सालग्राम दिखाते हैं तो लिंग मिसल दिखाते हैं या अंगुष्ठा मिसल दिखाते हैं? अंगुष्ठा मिसल दिखाते हैं। तो आत्मा की निशानी है अंगूठा, उसका नाम क्या पड़ा? अंग उठा। आत्मा जहां बैठती है वो अंग ऊंचे से ऊंचा स्थान है, उठा हुआ स्थान है, माना उसको उत्तमांग कहा जाता है। कैसा अंग? उत्तम से उत्तम अंग, ऊंचे से ऊंचा उठा हुआ अंग। राजा कहां बैठता है? ऊंची कुर्सी पर बैठता है या प्रजा के साथ बैठता है? ऊंची कुर्सी पर राजा बैठता है। तो इस शरीर का राजा कौन है? आत्मा। तो आत्मा की मिसाल अंगुष्ठा से दी गई है। और ये आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाली है, मन बुद्धि और संस्कार वाली है, वो अंगुष्ठा रूप आत्मा, वो भी सीधे हाथ वाली। बाण जो है वो सीधे हाथ से पकड़ा जाता है, अंगूठे से दबाया जाता है या बाएं हाथ से पकड़ा जाता है? तो जिस सीधे हाथ से शेष संकल्प किए जाते हैं बुद्ध रूपी हाथ से, वो बुद्ध रूपी हाथ का अंगूठा अर्थात अकाल तख्त ईश्वर को अर्पण कर दिया। अपने पास ये लठ भी नहीं रखना है, ये भी अर्पण, माने मन बुद्धि भी नहीं चलानी है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जो पाना था तो पा लिया। फिर मनन चिंतन मंथन की स्टेज ऊंची या बीज रूप स्टेज ऊंची? बीज रूप स्टेज में आत्मा मन बुद्धि रूपी को चलाने की बात खत्म हो गई। उसको कहते हैं एकलव्य, एक को लव करने वाला, दूसरा नहीं। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, औरों की बुद्धि में नहीं आवेगी। तेरी किसको कहा जाता है? तेरी को अंग्रेजी में कहते हैं दाऊ। दाऊ माने एक या दो चार? एक माने एक ही आत्मा ऐसी है जो एक सुप्रीम सोल को याद करती है, लव करती है। उसके मुकाबले और कोई भी देहधारी आत्मा के प्रति उसका झुकाव नहीं हो सकता। इसलिए एकलव्य ने अपना अंगूठा कात के गुरु को अर्पण कर दिया। ये दिखाया है शास्त्रों ने। ओम शांति।